दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे सबसे पहले मिले। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट टुडे पे। जी हाँ, इस चैनल पे हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट टुडे की, मतलब आज स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है और आने वाले समय में स्टॉक मार्केट में क्या हो सकता है। दोस्तों चैनल पे आपका बहुत सारा प्यार मिल रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके लिए बहुत ही स्पेशल कुछ 5 वीडियोस बनाई हैं, आप उसको देख सकते हैं स्क्रीन पे, जो स्टॉक मार्केट के क्रैश को लेके है। हम एंटीसिपेट कर रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में शायद एक क्रैश आ सकता है, कहां तक जा सकता है, उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं येस बैंक के बारे में। जी हाँ, बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि सर येस बैंक के ऊपर बताएं, येस बैंक लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। एक टाइम पे 400 रुपए से ऊपर चलने वाला शेयर आज अगर 12-13 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है तो क्या हम उसको ले सकते हैं? क्या येस बैंक एक मल्टी बैगर हो सकता है? क्या येस बैंक वो शेयर है जो आपके आज तक के सारे लॉसेस पूरे कर देगा? दोस्तों ये समझने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक चीज मुझे बताएं कि एक बैंक के सक्सेसफुल होने के पीछे क्या वजह हो सकती है, प्लीज ये जरूर बताएं। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में अभी लिखिए कि क्या क्या चीजें होती हैं जिसके बेसिस पे हम एक बैंक के शेयर को चूज करते हैं। क्योंकि देखिए, बैंकिंग अगर आपको पता है बैंकिंग में क्या होता है, बैंकिंग कैसे परफॉर्म करती है और बैंकिंग के प्रॉफिट्स कैसे होते हैं, तो मेरे हिसाब से किसी भी बैंक के शेयर का एनालिसिस आप आराम से कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उस बैंक को चूज कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं। दोस्तों पहले समझते हैं कि बैंक का काम क्या होता है। बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो हमारे लिए मनी को मैनेज करता है, ठीक है। मनी मैनेज कैसे करता है वो, मतलब उसके पास दो चीजें होती हैं, एक तो होते हैं डिपॉजिट्स जो हम उनको बैंक्स को देते हैं, दूसरा बैंक करता है उस अमाउंट को डिसबर्स, मतलब आपको लोन की फॉर्म में वो पैसा दिया जाता है। अगर बैंक के पास डिपॉजिट्स अच्छे हैं, बढ़ रहे हैं, तो बैंक सही है। अगर बैंक के पास डिपॉजिट्स बढ़ रहे हैं और साथ में उसके लोन भी बढ़ रहे हैं, मतलब उस पैसे को वो आउटफ्लो भी कर पा रहा है, तो बैंक की कंडीशन सही मानी जाती हैं। अगर बैंक के पास डिपॉजिट तो बढ़ रहे हैं पर डिसबर्समेंट घट रहे हैं, तो बैंक की वर्किंग के ऊपर में सवालिया निशान उठ जाता है, बैंक की परफॉर्मेंस के ऊपर हम क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। यहां साथ साथ में अगर हम ये देखने की कोशिश करें कि बैंक के एनपीएज जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं, ये बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, अगर बढ़ रहे हैं तो बैंक खराब है, अगर वो घट रहे हैं तो बैंक फिर अच्छा हो जाता है। येस बैंक की पूरी डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में, तो दोस्तों प्लीज कहीं भी छोड़ के मत जाइएगा इस वीडियो को। अगर आपको मालूम है क्या हो रहा है, एक्सीलेंट है, थैंक यू सो मच, तो आप वीडियो स्किप कर सकते हैं। बट अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप जानना चाहते हैं कि येस बैंक आपके पोर्टफोलियो का शानदार हिस्सा बन सकता है या नहीं बन सकता, तो ये वीडियो आपकी बहुत ही ज्यादा मदद करने वाला है। और हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं आपके फेवरेट येस बैंक की। अगर देखते हैं येस बैंक है या नो बैंक है, हमने पहले भी इसके ऊपर वीडियोस बनाई हैं और आज फिर वीडियो लेके आए हूं आपके लिए, शायद ये देखते हुए कि आपको इस वीडियो की शायद जरूरत थी। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों किसी भी बैंक की फाइनेंशियल कंडीशंस को देखने के लिए अगर हम उसके फाइनेंशियल्स को देख लें तो मेरे हिसाब से हमारा काम आधे से ज्यादा आसान हो जाएगा। दोस्तों येस बैंक के क्वार्टर 2 के जो रिजल्ट्स आए हैं, जो फाइनेंशियल्स उन्होंने डिक्लेयर किए हैं, उसका एक प्रेस रिलीज जारी हुआ है, हम उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं, शायद हमें कुछ अनुमान मिले कि येस बैंक में कोई दम है या नहीं। चलिए बढ़ते हैं उसके प्रेस रिलीज की तरफ जो आपकी स्क्रीन पे आ रही है अब। दोस्तों ये प्रेस रिलीज 23 अक्टूबर 2020 की है, बिल्कुल लेटेस्ट है, तो इस पे शक करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस प्रेस रिलीज में क्या है आपके लिए वो देख लेते हैं कि दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग सबसे पहला पॉइंट अगर आप देखने की कोशिश करें, देखिए डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, मतलब ये बैंक एक्चुअल में एक रिटेल बैंक नहीं हुआ करता था, ज्यादा से ज्यादा इसका जो मोबिलाइजेशन था, जो बिजनेस था, वो सारा कॉरपोरेट से आता था, जिसकी वजह से बैड लोन्स हुए, कॉरपोरेट डिफॉल्ट्स हुए, जिसकी वजह से बैंक बहुत बुरी तरीके से गिरा। येस बैंक के ऊपर बहुत सारे दिग्गज बैंकों ने पैसा लगाया, आपने देखा होगा पीछे HDFC बैंक, स्टेट बैंक, ICICI बैंक, कोई ऐसा बैंक नहीं था जिसने इसमें पैसा नहीं लगाया। क्यों लगाया, क्या वजह थी, ये शायद धीरे धीरे हमें पता लग रहा है जैसा येस बैंक परफॉर्म कर रहा है। दोस्तों अगर कोई बैंक किसी एक क्वार्टर में पर्टिकुलर प्रॉफिट वगैरह देता तो हम सोचते हैं चलो ठीक है, कुछ किया होगा, कुछ पैसा आया होगा जिससे प्रॉफिट शो हो रहा है, बट लगातार येस बैंक पिछले 2 क्वार्टर से प्रॉफिटेबल है, जो एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है जिसका मैं समर्थन करता हूं। मुझे लगता है कि एक अच्छा साइन है, हमें इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट करने के लिए येस बैंक को कंसीडर करने के पीछे। चलिए देखते हैं डिपॉजिट मोबिलाइजेशन का जो फिगर है 1,35,815 करोड़, जो ग्रो हुआ है 15.7 करोड़ क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे, मतलब 6 महीने के अंदर अंदर में वो बढ़ा है दोस्तों, ये बहुत ही शानदार चीज है। दूसरी शानदार चीज दोस्तों, सस्टेन मोमेंटम इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे हैं 18.6%, ये भी बहुत ही अच्छी चीज है दोस्तों। कोविड रिलेटेड प्रोविजंस को बढ़ाया गया है 1918 करोड़, मतलब ये प्रोविजंस वो हैं जो अगर कोई पेंडेमिक आ जाए, कोई खराब स्थिति आ जाए, ऐसी स्थिति में बैंक के पास क्या रिजर्व्स हैं, क्या बैंक प्लानिंग करके चल रहा है, ये वो पॉइंट है जो हमें बताता है कि बैंक कितना सॉलिड काम करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों फाइनेंशियल हाईलाइट्स पे नजर डालने की कोशिश कीजिए, नेट प्रॉफिट बढ़ा है 129 करोड़ देखिए, और दूसरी चीज नेट इनकम जो है वो भी बढ़ी है 3.4% 1973 करोड़ के आसपास में। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घटे हैं दोस्तों, ये अच्छा साइन है, जब खर्चे घटते हैं इनकम बढ़ती है तो अच्छा साइन माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट बैंकिंग के लिए दोस्तों, नेट एडवांसेस 1,66,923 करोड़, मतलब 1.5% बढ़े हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग पिकअप इन रिटेल डिसबर्समेंट ऑल्सो, मतलब मैंने क्या कहा था एडवांसेस तो बढ़ रहे हैं, क्या डिसबर्समेंट बढ़ रहा है। देखिए पहले क्या था, पहले 424 करोड़ के टोटल डिसबर्समेंट थे जो बढ़ के 3,764 करोड़ के हुए, बहुत ही बहुत पॉजिटिव साइन है दोस्तों, बहुत ही शानदार, मतलब लोग यस बैंक में एक कॉन्फिडेंस जता रहे हैं। चलिए कुछ फाइनेंशियल हाइलाइट्स पे नजर डालते हैं क्वार्टर टू की, क्या है नेट इंटरेस्ट इनकम। दोस्तों बैंक का काम क्या है, बैंक का काम है ब्याज पे पैसा देना, ब्याज उसकी इनकम होती है, क्या वो बढ़ा है, जी हाँ 3.4% बढ़ा है, पहले 1908 करोड़ के थे फर्स्ट क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में 1973 करोड़। नॉन इंटरेस्ट इनकम दोस्तों क्या ये बढ़ी है, 13.9% एक्सीलेंट, 621 करोड़ से 707 करोड़ का जंप है, शानदार है। टोटल नेट इनकम जो है दोस्तों वो भी बढ़ी है, 2680 करोड़ हुई जो पिछले बार 2529 करोड़ थी। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या ये घटे हैं, जी हाँ 1382 करोड़ से घटके 1320 करोड़, मतलब यहाँ पे 4.5% के आसपास का फॉल गिरने में लगा दिखाई दिया है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, जी हाँ ये देखिए शानदार शानदार 18.6% 1147 करोड़ से बढ़के हुआ 1360 करोड़। प्रोविजन बैंक्स के बड़े हैं दोस्तों, 1087 करोड़ से प्रोविजन को रखा गया है 1187 करोड़, 9.3% की इसमें भी ग्रोथ देखने को मिली है, अच्छा है। और पैट को अगर देखा जाए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 129 करोड़, क्या बात है, 45 करोड़ का पिछले फर्स्ट क्वार्टर में था, सेकंड क्वार्टर में 129 करोड़, 184.7% की ग्रोथ, क्या बात है, रिकॉर्ड तोड़ गोड, मजा आ गया देख के। दोस्तों एक पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी शेयर को देखने के लिए, मैं देखना पसंद करता हूं, दैट इज बेसिक ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। दोस्तों अगर आप बहुत सारे शेयर्स को देखेंगे तो उनकी ईपीएस हो सकता है नेगेटिव में आपको दिखाई देगी समय पे, बट येस बैंक ने ना ही उसको पॉजिटिव मेंटेन किया है, जबकि एक ग्रोथ भी दिखाई है 0.04 से 0.06%, 61.9% की ग्रोथ है, जो एक हेल्दी साइन माना जाएगा। यस बैंक के केसेस में बेशक से ईपीएस एक से भी कम है, बट वो नेगेटिव नहीं है, इट इज पॉजिटिव, विच इज अ वेरी वेरी गुड साइन इफ यू कंसीडर यस बैंक एज अ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। दोस्तों रिटर्न ऑन एसेट्स पहले 0.1% था, 0.2% रिटर्न ऑन इक्विटी, ये बहुत अच्छा रिजल्ट है दोस्तों, 0.8% से बढ़कर 1.6% के आसपास हुआ। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो बढ़ा है 3% से 3.1%, एंड कॉस्ट टू इनकम रेशियो दोस्तों ये घटी है, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, जहां कॉस्टिंग कम होती है तो मुझे वो चीज बहुत ही ज्यादा पसंद आती है, बहुत ही शानदार। चलिए कुछ बैलेंस शीट के हाईलाइट्स पे नजर डालते हैं कि बैलेंस शीट हमारे पास क्या कहती है। दोस्तों एडवांसेस बढ़े हैं 1,64 करोड़ से 1,66 करोड़ हुए, 1.5% का उछाल इसमें देखने को मिला। डिपॉजिट्स, ये बहुत ही अच्छी बात है, लोगों का कॉन्फिडेंस यस बैंक में लौटता हुआ, जहां यस बैंक एक कॉर्पोरेट बैंक था, आप समझ के देखिए कॉर्पोरेट, मतलब 75-80% का जो बिजनेस था वो कॉर्पोरेट डिपॉजिट से आता था, अब रिटेल डिपॉजिट इसमें बढ़ रहा है 1,17,000 करोड़ से बढ़कर 1,35,000 करोड़। दोस्तों किसी भी बैंक की बहुत ही जबरदस्त चीज होती है, वो होती है एनपीए, जी हाँ बैंक है, लोन देगा, लोन मरेगा भी, कुछ रिकवर भी होगा, पैसा डूबता भी है और रिकवरी भी हो जाती है, बट अगर बैंक अपने एनपीएस को रिकवर करने में कामयाब होता है तो बहुत ही पॉजिटिव साइन देखा जाता है। ग्रोस एनपीए भी घटे हैं, पहले जहां 17.30% के आसपास के, हालांकि बहुत ह्यूज हैं, बट फिर भी एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, एक अच्छा साइन है, पैसा रिकवर हो रहा है बैंक का, लोग बैंक के पास लौट रहे हैं, दिस इज वेरी वेरी गुड साइन। 4.96% से 4.71% हुआ है नेट एनपीए, गिरा है, बहुत ही अच्छा है। दोस्तों ये अगली रेशो जिसके बारे में आपको पहले भी डिस्कशन की थी, दैट इज प्रोविजन कवरेज रेशो पीसीआर, देखिए 75% से लेके उसको बढ़ा के 75.7% किया गया है, मतलब अगर कोई ऐसी ट्रबलसम सिचुएशन आती है, कोई पेंडेमिक आता है, कोई झटका बैंक को देखने को मिलता है, तो उसको कैसे बर्दाश्त करेगा, कैसे झेलेगा, उसके लिए क्या प्रोविजन बैंक ने रखे हैं, ये एक अच्छा साइन मैं देखने की कोशिश करूंगा, ये बहुत ही अच्छा है। दोस्तों ओवरऑल यस बैंक ने जितनी भी चीजें दिखाई हैं बहुत ही शानदार दिखाई हैं, मुझे लगता है कि अगर एक बैंक अपनी एनपीएस घटा रहा है,
डिपॉजिट अट्रैक्ट कर पा रहा है और उसको लोन के फॉर्म में डिसबर्स कर पा रहा है। ये तीन चीजें मिलकर एक बैंक को अच्छा बैंक बना सकती हैं। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा साइन है, मैं इस साइन का वेलकम करता हूं और मुझे लगता है यस बैंक आने वाले टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। यहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशो बहुत बहुत हाई होता है, रिस्क बहुत मिनिमम दिखाई देती है। दोस्तों अच्छा बैंक है, एक टाइम पे निफ्टी 50 का बैंक हुआ करता था, शानदार बैंक हुआ करता था, बट यस बैंक के प्रमोटर्स की वजह से जो चीज खराब हुई उसको यस बैंक अब ठीक करने में लगा है। एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि कहीं ये शेयर डीलिस्ट ना हो जाए, लोगों को लगता था एक रुपए दो रुपए या 25 पैसे तक आएगा या ये शेयर पैनिक ऐप में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या लगता था ये शेयर कभी भी वापस से इसके अच्छे दिन नहीं आने वाले। दोस्तों इतने दिग्गज बैंक्स ने यस बैंक में पैसा लगाया था और हमें लग रहा था कि कोई तो बात है, जहां 60-70-80 रुपए के भाव पे झुंझुनवाला ने 68 रुपीज के आसपास में इसमें एंट्री की थी, वहीं से शेयर 85 रुपीज तक चला गया था, वहां पे दिग्गज बैंकों ने इसमें पैसा लगाया था, वहां से गिरते 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 ये शेयर आ गया 12 रुपए के आसपास। बहुत हैवी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली उन लेवल्स के हिसाब से भी, बट मुझे लगता है कि अगर ये 12-13 रुपए के भाव पे अगर आप छोटा सा रिस्क ले लेते हैं, छोटी सी कैपिटल लगा देते हैं, तो ये शेयर मल्टीबैगर हो सकता है, क्या बड़ी बात है। अगर मान लीजिए आप 13-14 रुपए का शेयर कल को 100 रुपए खड़ा हो जाता है तो आपका पैसा कितना मल्टीप्लाई होता है। दोस्तों अगर कोई 13-14 रुपए की चीज अगर 100 रुपए हो जाती है तो आप अपने आप से देखिए कि कितनी परसेंटेज ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। अगर आप ये आंकलन करने में अगर आप ये रिस्क लेने को तैयार हैं, अगर ये रिस्क है 13 रुपीज का इन्वेस्टमेंट, जी हाँ अगर ये रिस्क लेने को तैयार हैं तो शेयर मार्केट कैन ऑलवेज ऑलवेज सरप्राइज यू। 100 हो सकता है, 150 हो सकता है, 200 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये वापस 400 रुपए भी हो सकता है अगर इसके पास रिटेल में बिजनेस बढ़ता चला गया, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती चली गई। दोस्तों कोई भी शेयर मल्टीबैगर सिर्फ तब होता है जब वो रिटेल से जुड़ा हो या उसके बिजनेस में कोई ऐसी यूनिकनेस हो जो किसी और के पास ना हो। बैंकिंग की यूनिकनेस तो नहीं कह सकते हैं, बैंकिंग तो सभी परफॉर्म करते हैं, स्टेट बैंक भी एक बैंक है, HDFC भी एक बैंक है, अभी उस लेवल का बैंक तो ये बैंक नहीं दिखाई देता, बट प्रमोटर्स हमेशा अपने शेयर्स को मैनिपुलेट कराते रहते हैं, शेयर्स को भगाते रहते हैं, या बहुत सारे कभी कभी दिग्गज इन्वेस्टर्स बैंक में आ जाते हैं तो उनको लगता है ये शेयर परफॉर्म कर सकता है। अगर हम राकेश झुंझुनवाला के शेयर की बात करें जहां उन्होंने 65 रुपीज के आसपास में एंट्री की थी, वो एक अच्छा प्राइस है, अगर हमें लगता है कि उनके प्राइस आ सकते हैं तब भी आपका पैसा 5 गुना हो सकता है। और अगर आपको लगता है ये बैंक यहाँ से परफॉर्म करता है, एनपीएस ऐसे ही गिरते रहते हैं, तो ये शेयर कुछ भी परफॉर्म कर सकता है। दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ अपना एनालिसिस करके उसके बाद ट्रेड लीजिएगा। और यस बैंक मुझे एक रिस्क रिवार्ड रेशो अच्छा दिखाई देता है, इसलिए मैंने आपसे डिटेल शेयर की। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों जितने ज़्यादा आपके लाइक्स आएंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ आपने वीडियोज़ के कंटेंट को पसंद किया है, वीडियोज़ बनाने का और मोटिवेशन मुझे मिलेगा, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और लेके आऊँगा। और अगर आप चाहते हैं किसी और स्टॉक पर काम करना, किसी और स्टॉक पर एनालिसिस करना, वीडियो बनाना, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर लिखें, मैं कोशिश करूँगा जितने ज़्यादा कमेंट जिसके ऊपर आएंगे, जैसे लास्ट वीडियोज़ में बहुत सारे कमेंट्स आए रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर में लेके, HCL टेक्नोलॉजीज के ऊपर लेके, बहुत जल्दी मैं कुछ ऐसे वीडियोस भी कंपाइल करने वाला हूं जो उसमें से आपने जो रिक्वेस्ट की थी वो शेयर्स पे वीडियो बनाने वाला हूं। बट मुझे लगा पहले मैं यस बैंक के ऊपर वीडियो शूट करता हूं, तो ये रहा यस बैंक का डिटेल्ड एनालिसिस। आई होप ये वीडियो कुछ कंटेंट आपके सामने लेके आया हुआ जो आपके काम का हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, जय हिंद, टेक केयर।